वेलकम टू ए टू जेड अपडेट्स गाइस। सो मैं आज बात करने वाला हूँ कि आपको सिलेरियो का जो सेकेंड जनरेशन है उसके लिए वेट करना चाहिए या नहीं, और ये कार को कंसिडर करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करूँ मारुति की तरफ से, तो मारुति की सिलेरियो बहुत ही टाइम से इंडियन मार्केट में चली आ रही है, और 2014 से देखा जाए तो ये मारुति सिलेरियो इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन अभी 2021 हो चुका है, लेकिन मारुति सिलेरियो में कोई भी अपडेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस उसमें किए गए थे, लेकिन अभी बहुत ही सारे रूमर्स और न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं कि मारुति में जो सिलेरियो है उसका जो अपडेटेड वर्जन है वो इंडियन मार्केट में आने वाला है। सो गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ कि इस मारुति कार को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। सो गाइस, बात करूँ सिलेरियो के बारे में, तो उसका जो न्यू मॉडल यानी कि जब सेकेंड जनरेशन आने वाला है उसमें कौन से चेंजेस होंगे और क्या क्या चेंजेस हमें मशीनरी यानी कि जो इंजन होगा उसमें कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसका जो पूरा वीडियो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो मैं उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कार में कौन से चेंजेस होने वाले हैं वो पूरा ही डिटेल उसमें बताया है, और इसी के साथ साथ प्राइस भी उसमें मैंने बताई है, और लॉन्च कब होगा वो भी मैंने बताया है। सो गाइस, बात करें इस मारुति सिलेरियो के बारे में, तो मारुति का जो सिलेरियो कार होगा वो हमें बहुत ही सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर में भी हमें पूरा चेंज देखने को मिलने वाला है, और जो इसका जो एक्सटीरियर होगा उसके हेडलैम्प और टेल लैम्प होंगे वो भी पूरे न्यू देखने को मिलने वाले हैं, और जो इसका साइज़ होगा वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होने वाला है। और इंटीरियर से भी बात करूँ तो इसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल और भी सारे चीज़ें हैं, माइनर माइनर जो चीज़ें होती है वो भी हमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट के साथ देखने को मिलने वाली है, यानी कि इस मारुति सिलेरियो में हमें बिग अपडेट देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, बात करूँ अभी जिसको कार खरीदनी है, यानी कि मान के चलो कि आपको 15-20 दिन में कोई भी कार खरीदनी है 5-6 लाख के आसपास, तो आप सिलेरियो का वेट कर सकते हो। ये वाला जो सिलेरियो का न्यू मॉडल है वो सितंबर में इंडियन मार्केट में आने वाला है, यानी कि मान के चलो कि 2 महीने में ये इंडियन मार्केट में आने वाला है। सो किसी को 1 महीने के अंदर ही अभी कार लेना हो सो वो कोई और कार के तरफ जा सकता है, लेकिन जिसको अभी वेट कर सकता हो यानी कि 1 महीने से ज़्यादा भी कोई वेट कर सकता हो, तो आप ज़रूर इस सिलेरियो सेकेंड जनरेशन के लिए वेट कीजिए, क्योंकि ये कार में हमें पूरे ही न्यू मॉडल्स देखने को, यानी कि जो अपडेट होंगे वो पूरे ही न्यू देखने को मिलने वाला है। हालांकि थोड़ी प्राइस बढ़ने ही वाली है, लेकिन जो इसमें इंजन होगा वो भी हमें इम्प्रूव देखने को मिलने वाला है। और इसके कंपटीटर में देखा जाए तो मारुति सिलेरियो जो होगी वो वन ऑफ द बेस्ट कार रहने वाली है। लेकिन अभी जिसको अभी या 5-10 दिन में किसी को कार परचेस करनी है तो वो कोई और कार खरीद सकता है, क्योंकि इसका लॉन्च होना अभी नहीं किया गया, लेकिन इसका लॉन्च सितंबर में होने वाला है। सो और गाइस, अभी किसी को सिलेरियो कार का जो पुराना मॉडल है वो लेना है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी वो कार कंसिडर मत कीजिए। आप बेशक इस सिलेरियो के सेकेंड जनरेशन के लिए वेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस सेकेंड जनरेशन में हमें बहुत ही सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, यही था कुछ वीडियो। सो गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि आपको सिलेरियो का सेकंड जनरेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।